तो दोस्तों, एक नाम इस समय हरियाणा में बहुत ज़्यादा चर्चित है और वो चर्चित नाम मुझे लगता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत चर्चित हो तो आपके जहन में भी आ गया होगा और आज उसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं बात यहाँ पर एलविश यादव की कर रहा हूँ। बिग बॉस OTT सीज़न 2 में आपने देखा कि एलविश यादव ने ट्रॉफी को जीता, हालांकि उसके पहले भी वो एक बड़े यूट्यूब के आपने देखा है कि कंटेंट क्रिएटर रहे हैं और बहुत लंबी चौड़ी उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और इसीलिए OTT में भी आपने देखा कि उन्होंने जब बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री की थी तो अच्छा खासा सपोर्ट उनको मिला। वाइल्ड कार्ड हालांकि उनकी एंट्री थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो बिग बॉस है उसको उस सीज़न को जीता उन्होंने। लेकिन अभी वो सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ जानकारी आपको अभी मिल गई होगी, रेव पार्टी को लेकर के कुछ आरोप लगे एलविश के ऊपर। हालांकि एलविश ने बाद में एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो सफाई देते हुए भी नजर आए कि वो पिछले एक महीने से लगातार शूटिंग के सिलसिले में और अन्य कामों के सिलसिले में वो बाहर हैं, इसलिए उनका नोएडा आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन नोएडा में उनको लेकर के एक FIR दर्ज की गई है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। दरअसल एलविश यादव पर आरोप ये हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है और उनके जहर का वो इस्तेमाल अपनी पार्टीज़ में करते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है और आरोपियों के कब्ज़े से पुलिस ने 20 मिलीमीटर जहर और 9 जिंदा सांप बरामद किए हैं और ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर हो जाते हैं। जहरीले सांपों की तस्करी करने को लेकर के आपको बता दें कि एलविश के ख़िलाफ़ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी करने का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि रेव पार्टी भी वो कर रहे हैं, ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो सेक्टर 49 थाने में एलविश के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। एलविश यादव पर आरोप ये हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है और जो वो पार्टीज़ करते हैं उसमें वो इन सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आरोप भी अपने आप में बहुत संगीन है और इनके जहर का इस्तेमाल वो अपनी पार्टीज़ के अंदर करते हैं। आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 20 मिलीमीटर, आपको बता दें कि जो मिलीलीटर जो जहर है वो बरामद किया गया है, 9 जिंदा सांप मिले और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी ओर से ही एलविश यादव का नाम लिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा राजनीतिक और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने एलविश यादव की अब गिरफ्तारी की मांग भी शुरू कर दी। उनका ये कहना है कि एलविश को गिरफ्तार करना चाहिए। पकड़े गए आरोपियों के बारे में बता देता हूँ, इनकी पहचान हुई है दिल्ली के राहुल जो कि 32 साल के हैं, टीटू नाथ जो कि 45 साल के हैं, जयकरण 50, नारायण 50, रविनाथ 45। और इन्होंने ही पूछताछ में बताया है कि इन सांपों और स्नैक वेनम का इस्तेमाल रेव पार्टी के लिए होता था और इस वजह से उन्होंने जब नाम एलविश यादव को लिया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो खड़ा हो गया। हालांकि एलविश यादव ने ये ज़रूर कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, वो चूंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए उन पार्टी में होने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में जब जाँच आगे बढ़ेगी तो एलविश कितना सपोर्ट करते हैं और दूसरा ये है कि इस पूरे मामले में आगे अभी और क्या खुलासे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।